बेदला खुर्द गांव को रामगिरी से जोड़ने वाली पुलिया के निर्माण को लेकर रास्ता साफ हो गया है। जल्द ही क्षेत्र के लोगों को यूआईटी द्वारा पुलिया बनाकर एक बड़ी सौगात प्रदान की जाएगी। यूआईटी की ओर से पुलिया निर्माण के लिए 92 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति भी जारी कर दी गई है। ग्रामवासियों की इस विकट समस्या को दूर करने में बड़गांव उप प्रधान प्रताप सिंह राठौड़ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वहीं मावली विधायक धर्मनारायण जोशी ने भी इस मुद्दे और जटिल समस्या को विधानसभा में उठाया था। राठौड़ ने इसको लेकर यूआईटी के तत्कालीन सचिव अरुण हसीजा और तकनीकी अधिकारियों को मौके पर लाकर पुलिया निर्माण का सर्वे भी करवाया था। इसके अलावा राठौड़ ने पिछले दिनों यूआईटी के सचिव नित्येंद्र पाल सिंह से मुलाकात कर बारिश से पहले इस पुलिया निर्माण की मांग की, जिस पर यूआईटी ने इस पुलिया निर्माण को हरी झंडी दे दी। पुलिया निर्माण की तस्वीर साफ होने से क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। बड़गांव उप प्रधान प्रताप सिंह राठौड़ ने बताया कि बेदला खुर्द पंचायत से रामगिरी का इलाका भौतिक दृष्टि से कटा हुआ है। यही नहीं, पुलिया का निर्माण नहीं होने की वजह से क्षेत्र के किसानों ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा रामगिरी में यूआईटी के अंतर्गत आने वाली कॉलोनियों है, जिन्हें भी इस पुलिया के नहीं होने से काफी दिक्कतें होती है। राठौड़ ने साफ किया कि नदी में पानी होने के दौरान बेदला खुर्द पंचायत में आने के लिए रामगिरी के लोगों को 4 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। यही नहीं, इस पुलिया निर्माण से लखावली, डांगियों का गुड़ा, मानपुरा, सबलपुरा, प्रतापपुरा, रेबारियों का गुड़ा सहित कई गांव के लोगों को सीधा फायदा होगा। वहीं रामगिरी के बाशिंदों को भी अपने पंचायत भवन आने के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। राठौड़ ने इस पर खुशी जताते हुए इस समस्या से सरोकार रखने वाले जिला कलेक्टर ताराचंद मीना, यूआईटी सचिव नित्येंद्र पाल सिंह, तत्कालीन सचिव अरुण कुमार हसीजा और मावली के विधायक धर्मनारायण जोशी का आभार व्यक्त किया। ये हम सबके लिए बड़ा ही आज खुशी का दिन है। यूआईटी द्वारा एक बहुप्रतीक्षित रामगिरी की पुलिया के निर्माण की मांग जो है वो पिछले लंबे समय से की जा रही थी, उसे सौगात के रूप में यूआईटी के अधिकारियों ने, जिला कलेक्टर महोदय ने, सचिव साहब द्वारा जो है हमें दी गई है। करीब 92 लाख रुपए की लागत की अब पुलिया निर्माण जो है उसकी स्वीकृति अब जारी हो चुकी है। मैं यूआईटी का इस मौके पर आभार व्यक्त करना चाहूँगा। रामगिरी की जो ये पुलिया है, इसको लेकर पिछले लंबे समय से हम सभी लोग प्रयासरत थे कि किसी भी तरीके से इस पुलिया का अगर निर्माण होता है तो निसंदेह जो लोग हैं, क्योंकि इसके आसपास कई गांव के जो लोग हैं, इसके अलावा बेदला खुर्द और रामगिरी की कनेक्टिविटी जो है बारिश के समय में 4 से 5 महीने का जो समय होता है उसमें काफ़ी दिक्कत जो है वो होती है लोगों को इधर से उधर आने में। इसके अलावा एक यू टर्न जो है वो पूरा यहाँ से बनता है, जब रामगिरी के बाशिंदों को यहाँ पर आना पड़ता है तो पूरा बड़गांव और बेदला का चक्कर काटने के बाद वो बेदला खुर्द पंचायत में आता है। तो निसंदेह एक बड़ी कह सकते हैं कि समस्या, जटिल समस्या ये थी और पिछले लंबे समय से हम लोग इसकी मांग कर रहे थे। अरुण हसीजा जो तत्कालीन सचिव है यूआईटी के, इसके अलावा जो भी तकनीकी कर्मचारी है उन सबका विजिट भी यहाँ पर 1.5 वर्ष पहले कराया गया था, और उसके बाद कुछ ही समय पूर्व जो है जो यूआईटी के सेक्रेटरी है नितेंद्र पाल सिंह जी, मेरे द्वारा भी इस जटिल समस्या से उनको अवगत कराया गया था। तो इसको लेकर कह सकते हैं कि जो संवेदनशील अधिकारी है, चाहे जिला कलेक्टर हो, यूआईटी के तत्कालीन सचिव हो, वर्तमान सचिव हो, सभी लोगों ने इसे गंभीरता से लिया और अब 1.92 लाख रुपये की लागत से जो है इस पुलिया का निर्माण जो है वो यहाँ पर होगा। तो निसंदेह एक बड़ी समस्या जो है उसका समाधान होने वाला है। मैं बेदला खुर्द की जनता की ओर से, रामगिरी की जनता की ओर से सभी अधिकारियों का आकाश भर आभार प्रकट करना चाहूँगा। मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा मावली के लोकप्रिय विधायक आदरणीय धर्मनाथ जी जोशी का, जिन्होंने इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाने का प्रयास किया था, उन्होंने उठाया और उसके बाद यूआईटी ने भी इसे गंभीरता से लिया। तो कह सकते हैं कि एक बड़ी समस्या का समाधान जो है वो यहाँ पर हुआ है। पुनः सभी लोगों का जो है मैं आभार व्यक्त करता हूँ इस मौके पर। धन्यवाद।
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए किसी अच्छे इंस्टीट्यूट की तलाश में हैं, तो आपकी खोज खत्म हुई। IAS, RAS, बैंक, SSC, CLAT, LDC, CET और रेलवे के साथ सूचना सहायक और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सुनिश्चित सफलता पाने के लिए आज ही ज्वाइन करें संभाग का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्था अनुष्का एकेडमी, हिरणनगरी सेक्टर 3, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 8233 22 33 22।